एक ठेकेदार ने खौफनाक हत्याकांड का खुलासा करने वाली यह दास्तान बहुत पेचीदा है। इसका पर्दाफाश किया है कि रोड एक्सीडेंट ने। इस एक्सीडेंट के बाद कातिल खुद ब खुद पुलिस के रडार पर आ गया। क्या था इस सनसनीखेज हत्याकांड और कैसे खुले इसके राज, की रिपोर्ट देखिए। घर के अंदर मिली थी बुजुर्ग की लाश, घर का नौकर ही निकला बुजुर्ग का कातिल। पुलिस की गिरफ्त में आरोप, कोरबा के दादर रोड में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक वृद्ध की रक्तरंजित लाश उसके घर में पड़ी। बुजुर्ग की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही नौकर ने की थी, जो वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और प्रथम दृष्टया क्या लगा आपको? परशुराम नगर दादर में रामबाबू शर्मा करके व्यक्ति रहते हैं, उनकी उम्र करीब 60 साल के आसपास की है। कल शाम के समय सूचना मिली कि एक व्यक्ति, एक लड़का है, उसने इनकी हत्या कर दी है और हत्या करके घर को बाहर से ताला बंद करके उनकी बुलेरो वगैरह ले गए हैं। सूचना मिलने पर तजवीज हेतु सीमन पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराकर उनके निर्देशन पर मणिपुर की टीम को और सीएसडी चौकी की टीम को लेकर स्पॉट पर आया। स्पॉट आने के बाद स्पॉट पर सबसे पहले हमने तस्दीक किया कि घटना सही है कि गलत। तस्दीक पर पाया कि हाँ, घटना सही है। घटना वो घर के बाहर ताला बंद था, ताला को तोड़ने के बाद के अंदर जब इंटर किए बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और बॉडी अंदर पे छत उछत हालत में पड़ी थी। ऐसा लगता था कि शॉप पर देख के हत्या की गई। उसके बाद परिजनों को खबर किया गया, शॉप पर एफआईआर किया गया। एफआईआर करने के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक की शिनाख्त रामबाबू शर्मा के तौर पर हुई, जो मानिकपुर इलाके के दादर खुद स्थित परशुराम नगर में रहते थे। लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा एक एक्सीडेंट केस की हकीकत से हो सका। दरअसल बिलासपुर में एक बुलेरो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बुलेरो चालक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम नारायण यादव बताया, जो कोरबा का रहने वाला था। पुलिस ने उससे बुलेरो के कागजात दिखाने को कहा तो वो आनाकानी करने लगा। इस पर पुलिस को शक हुआ और उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की। इसके बाद उसने सच उगल दिया, उसने पुलिस टीम की पूछ उड़ा। उन्होंने बताया कि झगड़े के दौरान के जो आरोपी नारायण यादव करीब 25 वर्ष के आसपास का है, उसने घर पे रखे जो सौर पर जो चाकू जैसे ऑब्जेक्ट हैं उससे उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पे उनका मोबाइल पर्स और बुलेरो लेकर यहाँ से फरार हो गया। मिलाते समय बुलेरो लेकर समय बिलासपुर के आगे रायपुर रोड पर उसकी बुलेरो की दुर्घटना भी हो गई, जो अभी कन्फर्म हो गई है। दुर्घटना होने के बाद इसको 112 वालों ने ले जाकर वहाँ सरगांव हॉस्पिटल में एडमिट कराया हुआ था। इसकी तस्दीक कर ली गई है और वहाँ से फिर आरोपी अपने परिजनों के पास आया था, जहाँ से किस तरीके से पुलिस को खबर मिल गई थी कि आरोपी ने सारी घटना को अंजाम दिया है। और फिर खबर मिलने के बाद सारी घटना को कनेक्ट करके पुष्टि कर ली गई है। नारायण यादव के इकबाले जुर्म के बाद गुरुवार की देर शाम पुलिस कोरबा के ठेकेदार रामबाबू शर्मा के घर पहुंची। पुलिस की टीम को देखकर आसपास के लोग भी जमा हो गए और जैसे ही रामबाबू के घर का दरवाजा खोला गया तो अंदर एक खून से सनी लाश मिली, जिसकी शिनाख्त आसपास के लोगों ने रामबाबू के तौर पर की। पुलिस ने घटनास्थल पर बारीकी से निरीक्षण करने के बाद पाया कि मृत शरीर पर धारदार हथियार से हमला किया है। पड़ोसी ने भी 3 दिन पहले रामबाबू और नारायण के बीच किसी बात को लेकर जमकर कहा सुनी भी सुनी थी। उसका आरोपी साहब क्या मतलब जिस आरोपी के साथ में, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्टर हैं रामबाबू शर्मा मित्र जो हैं, कॉन्ट्रेक्टर हैं, कॉन्ट्रेक्ट का काम करते हैं। उसके साथ में ये काम करता था लड़का, आना जाना करता था, कॉन्ट्रेक्ट का काम दिखता था इनके साथ में। इनका इनके बीच में काफ़ी अच्छा संबंध भी था कि एक साथ में उठना बैठना खाना पीना चलता था इनका। घटना दिनांक को भी साथ में ही इनका उठना बैठना हो रहा था, खाना पीना हो रहा था और
रात को 9:30 बजे से 2 बजे के बीच की 2 बजे के बीच की घटना आसपास के जो फुटेज हैं फुटेज से भी हमने साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए हैं और विवेचना कर लिया। सर लड़का पूछताछ में बताया गया क्या कारण क्या था, क्यों ऐसा किया वो? कारण में लड़के ने अभी ये बताया है कि शराब पीने के बाद पे लड़के की जो गर्लफ्रेंड है उसका फोटो वगैरह देख के इन्होंने किस तरीके का कमेंट किया जो उसको पसंद नहीं आया, इस बात से उनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ, झगड़ा शुरू हुआ, झगड़ा इतना बढ़ गया कि लड़के ने अपना अंजाम दिया। वारदात वाले दिन दोनों ने जमकर शराब पी, लेकिन नशे की हालत में दोनों के बीच कहा सुनी होने लगी और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नारायण ने राम बाबू पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर और घर का ताला बाहर से लगाकर बुलेरो कार लेकर फरार हुआ। लेकिन एक हादसे ने उसके गुनाह की पूरी हकीकत उजागर करके रख दी। हवालात के लिए कोरबा से मनोज यादव। हवालात में आज बस इतना ही, लेकिन हम फिर हाजिर होंगे जुर्मे की दुनिया की कुछ और नई दास्तानों के साथ। तब तक आप रहें सतर्क और सावधान।